तो हानिया को भी नमाज पढ़नी है और अक्षरा भी नमाज पढ़ रही है अभी। नमाज पढ़ लो मामी जी का, हाँ दादी नमाज पढ़ी है तो लिए मुझे भी नमाज पढ़नी है। सलाम करो, कैसे हैं आप लोग? मैंने बोला कैसे आप बोलो, कैसे हो आप लोग? तो यूएस बताएंगे ना कि कैसे हम लोग। तो ये यहाँ जो है आप दोनों नमाज पढ़ो, दुआ करना ठीक है ना? तो ठीक है ना? चलो पढ़ो। हानिया आप, आपको भी नमाज पढ़ो। तो ये आज जो है अम्मी ने इसको जो है दो चोटियाँ मान ली है, ये देखिए। वैसे इसके बाल हमेशा खुले रहते हैं और आज उसको अम्मी ने बाल बना लिए, तो ये अम्मी को नीचे लेकर गई थी, उसका टैक्स लिया है आज बाल बनाने का। उसने आप भी नमाज पढ़ोगी? आने आप भी आपको बता दी, ठीक है? तो चाहिए बच्चे पढ़ रहे नमाज हानिया को भी नमाज पढ़नी है, उसको भी चार नमाज बिछा कर दो। नहीं अभी मामी पढ़ रही है। चलिए आपसे पूछ लीजिएगा। हानिया जिद कर रही है चार नमाज के लिए, इसको अलग से चाहिए। हानिया आओ, खुल गए आप, तो मैं आपको अलग से बिछा दूं। नमाज पढ़ोगी, दुआ करोगी आप? तो ये हानिया जो है वो जो है भाभी नमाज पढ़ती हैं या कोई भी हम घर में नमाज पढ़ते हैं तो बच्चों को बहुत ज़्यादा शौक होता है, तो यही होता है कि बच्चे हमसे ही सीखते हैं। तो हानिया बोली मम्मा मैं नमाज़ पढ़ूंगी, अर्फिया को भी शौक हुआ तो भाभी को देखकर, तो हानिया ज़िद कर रही थी कि मुझे अलग से जा नमाज़ बिछा कर दो। और एक भाभी ने जो है वो भाभी नमाज़ पढ़ रही थी, तो इसी वजह से अर्फिया ने अभी पढ़ ली है नमाज और सबके लिए कर ली है दुआ, क्योंकि वो कह रही है मैं अपने बाबा के लिए दुआ करूँगी और अपने मामू के लिए सबके लिए। मैंने कहा चलो अपनी जो है व्यूवर्स के लिए भी आप दुआ करें, सबकी जो है अल्लाह पाक परेशानियाँ दूर करें और आमीन सुमा आमीन। तो हानिया वही कर रही थी और सबके लिए दुआ कर रही थी हानिया। तो ये देखिए हानिया आ गई और बहुत ज़्यादा से शौक़ है नमाज़ पढ़ने का, जब छोटी सी थी तब से ही इसे बहुत ज़्यादा शौक़ है। और माशाल्लाह ये देख सबके लिए दुआ की, मैंने कहा व्यूवर्स के लिए दुआ की तो कह रही हाँ मम्मा मैंने सबके लिए दुआ कर दी, तो अल्लाह पाक इसकी दुआ कबूल करे और इसके पापा को जो है वो अच्छा सा एक काम दे दें। तो यहाँ पर जो है हानिया हमारी जो है देखें वो देख रही है कि मम्मा मुझे कैमरे में वो कैमरे में वीडियो बना रही है या नहीं, तो इसलिए मुझे वो बार बार उठ कर देख रही हैं। और माशाल्लाह अल्लाह पाक जो बच्चों की इबादत ऐसे ही कबूल कर लेते हैं बच्चों को, तो अल्लाह पाक बच्चों को नमाज़ पढ़ने की हमें भी और बच्चों को भी जो है हम अपने बच्चों को अच्छी अच्छी बातें सिखाएं, तो जो हम करते हैं वही हमारे बच्चे करते हैं। तो मैंने पढ़ ली है तो अब देख अब जो है ये अपना स्काफ उतारी, क्योंकि हरफिया यहाँ से चली गई ना, हरफिया जो कुछ करेगी वो उसे करना ही देता है। तो यहाँ देखें अब इसका स्काफ नहीं उतरेगा फिर से आएगा गुस्सा मामी। तो व्यूअर्स ये अल्लाह पाक जो है अपने बाल खराब को हिदायत दे और नेक बनाए। हाँ तो व्यूअर्स हानिया ने पढ़ ली है नमाज और अर्पिया ने पढ़ ली है नमाज, अब बच्चे पढ़ेंगे ट्यूशन, भाभी इनको पढ़ाएगी ट्यूशन। और मेरे कुछ मसले मसाइल हैं जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा काफ़ी परेशान हूँ, इसीलिए मैं अम्मी के तो मेरी भी कुछ परेशानियां जिस वजह से मैं अम्मी के घर आई थी, अभी भी बहुत ज़्यादा मेरे मसले मसाइल हैं जिस वजह से मैं अम्मी के घर रुकी हुई थी। और अब मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि अब बच्चों की जो है वो स्कूल की खुलने वाली है, तो मुझे घर पे जाकर बच्चों की तैयारियां भी करनी है। और इतने दिन में अम्मी के घर रही, अम्मी ने मेरा बहुत साथ दिया, तो बहुत ज़्यादा परेशानी की वजह से मुझे आना पड़ा था। तो अब मुझे जो है वो जाना है आज या कल, आज मैं जाऊंगी क्योंकि घर आपको पता है एक हफ्ते से घर बंद है तो गंदा काफ़ी हो रखा है, तो वहाँ जाऊंगी घर की सफाया करूंगी। तो बच्चे फिर जो है अब तैयारी करनी है मुझे स्कूल की बच्चों की,
तो भाभी ने जो है इनको, भाभी काफ़ी अच्छा ट्यूशन पढ़ाती है और अभी तक जहाँ भी मैंने ट्यूशन लगाया उसमें जो है ट्यूशन बच्चों को तवज्जो से नहीं पढ़ाया, जिसका भाभी को पढ़ाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो अभी जब एक दो दिन में हूँ तो बच्चे यहीं, भाभी तो कह रही है वहाँ से भिजवा दिया करो, बट वहाँ से बहुत ज़्यादा मैं दूर रहती हूँ मम्मी के घर से काफ़ी, तो फिर रोज़ लेकर आना और जाना बच्चों के लिए प्रॉब्लम है, इस वजह से भाभी भी यही कह रही पढ़ा दूँगी मैं इनको। तो अब जितने दिन है यहाँ पढ़ेंगे, बाकी लोग देखते हैं हमारे लिए क्या होता है और जो भी होता है मैं शेयर करूँगी। मैं मिलती हूँ वीडियो के बाद, देखते हैं आज अम्मी क्या बनाती है खाने में। तो आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को इसी तरह आगे बढ़ाएँ। तो इंशाल्लाह ऐसी इसी तरह के अच्छे अच्छे ब्लॉग मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी और कोशिश करूँगी कि अच्छे से अच्छे ब्लॉग लाऊँ, एक एक चीज़ जो है आपको प्रॉपर तरीके से बताऊँ अपने घर की रूटीन। तो ठीक है व्यूअर्स, मैं मिलती हूँ आपसे भी जेबी। हाँ तो व्यूअर्स, मैं आ चुकी हूँ किचन में और रोज़ की तरह हो चुका है खाने का टाइम और अम्मी ने बनाई आज दाल चावल जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े के थे और ज़ीरा राइस अम्मी बनाएंगी। तो दाल चावल के साथ अगर अचार ना हो तो दाल चावल बिल्कुल जो है वो खाने में मज़ा नहीं करती, क्योंकि हम जो है वो दाल में इमली वगैरह अम्मी नहीं डाल ऐड करती, क्योंकि दाल का कलर जो है वो ख़राब हो जाता है और दाल ख़राब होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं गर्मी में। तो यहाँ पर जो है अम्मी ने दाल बॉयल कर ली है, तो इसमें अम्मी जो है दाल का तड़का तैयार करिए, ये वो वाला तड़का नहीं है जिसे हम दाल बॉयल करके तड़का लगाते हैं, वो है। तो अम्मी ने जो है मुझे शॉर्ट आउट दिखाया तो मैंने कहा वाह ये तो अच्छा है आइडिया कि हमें जो है वो बर्तन चेंज नहीं करने पड़ते, वरना बॉयल करके हम जैसे कि बड़े बर्तन में से फिर दाल को हम शिफ्ट कर लेते हैं दूसरे बाउल वगैरह में और फिर उसके बाद जाके हम उसी पतीले में लगाते हैं दाल को तड़का, ये तो हर कोई करता है, मैं भी ऐसे ही करती हूँ। आज अम्मी को मैंने देखा, अम्मी को बोला कि ये तो अच्छा है शॉर्ट आउट जो है वो तरीका सबसे अच्छा है, आराम से जो है हम फ्राई पैन में इसका तड़का तैयार करके। तो इसीलिए कहते हैं कि जो अम्मी होती हैं उनको सब पता होता है और अम्मी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो है एक महीना जो है मुझे हो चुका है और अम्मी के पास मैंने बहुत कुछ सीख लिया, जो ना सीखा था वो भी सीख लिया, क्योंकि अम्मी और जो हमारे बड़े होते हैं वो हमें कुछ ना कुछ अच्छा सिखा ही जाते हैं जो हमें आगे जाके बहुत अच्छा जो है काम आता है अगर अम्मी डांटती है या कोई। तो ये अचार मैंने मंगवा लिया है अभी क्योंकि मुझे लगी है, अचार के बगैर मैं नहीं खाती हूँ, तो ये अचार बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो ये भाई अभी ले आए अचार, क्योंकि हमारे पास अम्मी अचार ले आती है तो ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पर आपको पता है शाम हो जाती है तो खाने की टेंशन स्टार्ट हो जाती है, माशाल्लाह हमारे भी सारे काम वाले भाई अब सब आना स्टार्टिंग हो जाते हैं और अम्मी की टेंशन बढ़ जाती है क्योंकि खाना तो हमें अम्मी के हाथ का ही चाहिए। तो यहाँ पर देखिए दाल में तो वो वाला अम्मी ने तड़का लगा दिया, उस टाइम पे जो है वो मेरा मोबाइल थोड़ा सा मेरा मोबाइल ने जो है मेरा थोड़ा सा साथ नहीं दिया और अम्मी ने यहाँ पर जो है वो तड़का पहले तैयार किया था, वो अम्मी ने इसमें ऐड कर दिया है। अब अम्मी ने तड़का दूसरा जो है वो तैयार कर दिया है, तो उसमें अम्मी ने ले लिया है लहसुन और बड़ी वाली गोल मिर्च, जीरा अम्मी लगा देंगी इस पर ज़बरदस्त तड़का और यकीन करें आप बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार दाल बनाई थी अम्मी ने, जो कि मुझे बहुत पसंद है अम्मी के हाथ की दाल। अम्मी के हाथ के मुझे सारे खाने पसंद है, माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी अम्मी जो वो खाने की पकाने की और सबको खिलाने की बहुत ज़्यादा शौकीन है। मेरी अम्मी को बहुत ज़्यादा शौक है अपने बच्चों को अच्छे अच्छे खाने बनाकर खिलाने का। आप यकीन करें कि हमें जो है वो पिज़्ज़ा मैंने कभी बाहर नहीं खाया था, मैंने फ़र्स्ट टाइम अपने अम्मी के हाथ का ही पिज़्ज़ा खाया है। तो अम्मी ने जो है वो सीखा भी सिर्फ मेरे लिए, क्योंकि अम्मी ने जो है सीखा वो मेरे लिए सीखा। और यहाँ अम्मी बना रही है राइस, तो यहाँ ज़ीरा राइस बना रही है अम्मी, तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक था। अम्मी ने मेरा ख्वाब जो है वो अम्मी ने घर पर ही पूरा किया, मैं कभी बाहर जो है वो उतना जाती नहीं हूँ। देखिए राइस भी रेडी हो चुके हैं और रोटियाँ भी हम बना रहे हैं, तो दाल चावल रोटी और अचार और लस्सी बना लेंगे, तो यहाँ सबके लिए लगा देंगे खाना। तो माशाल्लाह अल्लाह पाक मेरी अम्मी को इसी तरह सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और लंबी ज़िंदगी अता करे। माशाल्लाह माशाल्लाह खाना जो है मेरी अम्मी बहुत ज़बरदस्त बनाती है, सबकी माएँ बहुत अच्छा बनाती है। माँ जो होती है वो किचन की किंग होती हैं और मेरी अम्मी जो है वो किचन की किंग है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खाना बनाती है मेरी अम्मी, आप लोगों को भी ज़रूर ट्राई करवाएँगे। तो व्यूअर्स, अम्मी जो है सबकी अल्लाह पाक सलामत रखे, माँ बाप को सलामत रखे, माँ बाप के घर को और भाइयों को सलामत रखे अल्लाह पाक। तो चलिए व्यूअर्स, मैं मिलती हूँ आपसे खाना वाना खाने के बाद। हाँ तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? और लाइट अभी भी हमारी आई है और आगे क्या कर रही हूँ आप? मैं ओवन लगा, ओवन ओवन बोल दे, या बोल ओवन 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 नहीं बोल ओवन।
ये कर रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा परेशान क्योंकि आज लाइट हमारी गई हुई थी, आज जल्दी आ गई है फिर भी। और हानिया को देखो यहाँ अपने आप को सिर्फ पाउडर ही लगाती रहती है। आज का व्लॉग भी मेरा बिल्कुल छोटा सा ही है, कल मैंने नहीं बनाया था व्लॉग क्योंकि कल थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा थी और लाइट जो है वो देर से आई थी, इस वजह से मेरा व्लॉग जो है वो नहीं आया। तो आज अम्मी ने क्या बनाया है वो तो आपने देख ही दिया, मेरा थंबनेल और मेरी जो है वो वीडियो आपने एंड तक वॉच करनी है। और तो भी बस कल फाइनली जो है मैं घर पर जा रही हूँ, तो घर पर थोड़ा सा काम है मेरा, घर पे जो है मेरा फ्रिज भी ख़राब हो रखा है और थोड़ा सा और भी कुछ काम है, तो वो कल मेरे भाई जो है जाकर फ्रिज का करवा देंगे क्योंकि मेरा भाई जो है वो फ्रिज वगैरह एसी वगैरह सब बनाता है, छोटा वाला सबसे, तो वो ही कर देगा मुझे फ्रिज का काम, तो वैसे करवा दें फ्रिज का काम और गेट का काम भी है। फाइनली हम घर चले जाएंगे और सफाई के लिए नहीं जा पाई तो फिर वहीं जाकर कर, इसीलिए मैं सैटरडे को जाऊंगी ताकि संडे को पूरे दिन में अपना जो है सफाई का काम सारा ख़त्म कर लूं। तो व्यूअर्स उम्मीद करती हूँ कि मेरा व्लॉग जो है वो आपको अच्छा लगा। और हानिया देखें, हानिया को सिर्फ एक बहाना चाहिए कि वो पाउडर लगाती रहे और मम्मा ना देखे तो मैं उसे चाट चाट के खाऊँ, किसा अच्छा जाएगा, अच्छी क्वालिटी है। तो ये सी बहुत ज़्यादा अगली और गंदी बच्ची है, ये मिट्टी भी खाती है। आप जो है इसे हमें ना इसे चुड़ैल के पास फेंक, चुड़ैल के पास फेंक दो आप। तो भाभी नहीं है, वो अपनी अम्मी के घर गई हुई है और खाना पीना हमारा सब हो चुका है। आज अम्मी ने बनाए थे मस्त ज़बरदस्त तड़के वाले दाल चावल रोटी अचार, क्योंकि दाल चावल में हमें अचार तो चलिए व्यूअर्स मैं व्लॉग का यहीं करती हूँ, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना और तब तक ये आई लव यू बोल लो, पपी दे दो पपी 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 आए हाय। चलो बाय व्यूअर्स, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग, तो हम आपको मिलाएंगे हमारी छोटी चूचू से, छोटी सी परी से, तो फेस जो है मैं वो भी आप लोगों को उसका दिखाऊंगी। बट अब जब मैं घर जाऊंगी, भाभी भी आ जाएंगी घर पर, तो फिर जो है हम अपनी प्रिया रानी का फेस भी आपको दिखाएंगे और उसकी जो है वीडियो पिक्चर सारी जो है मैं लगाऊंगी अपने ब्लॉग में। तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और ये जो ये आपको दिख रहा है ना, ये सब आनिया निकल, ये आनिया, ये बच्ची जो है ना, ये लड़की गंदी ये खाती है, अब खाती हो ना कलर निकाल के पेंट उतार उतार के सारा कलर अम्मी कसने खराब किया, ये सारा सा है ना जो थोड़ा सा खराब था उसे थोड़ा रोज आता है। तो चलिए नेक्स्ट गाँव में अल्लाह हाफिज़।